अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है, वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 6 महीने स्केल की जॉब्स है, जो कि वैक्सीनेटर की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 445 है, और आपको ये हैंडसम सैलरी पैकेज प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है वीडियो का। इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्रॉम अ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वीडियो का, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने फर्स्ट वीडियो वो लाजमी देखनी है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट से, तब तक आप ऑनलाइन जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको होपफुली मुश्किल ही पेश आनी है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिपीट इट अगेन फॉर यू, कि आपने वो वाली वीडियो का पार्ट लाजमी देखना है। उसमें हमने डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो है A to Z तक, बुलेट्स पॉइंट जितने भी उन्होंने डिफाइन किए थे, तो हमने डिटेल में बताए हैं कि किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो आपने वो वीडियो का पार्ट लाजमी देखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने STS की वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ से आपने आके इंग्लिश और सिंधी की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। और आपने 31 मार्च 2024 से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोरियर कर देना है। आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे दबा देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे आ जाएंगे, तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसे जूम इन कर लूँ आप सबके लिए जब बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है कि मैंने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। वैक्सीनेटर, जो कि 6 महीने स्केल की जॉब है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना मुकम्मल नाम, जो कि आपकी मैट्रिक की मार्कशीट में होगा, क्योंकि इसकी तालीमी कालबद्ध, अगर आपके पास मैट्रिक भी है तभी आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का मुकम्मल नाम, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर विदाउट डैश मतलब दे देना है। आप मेल या फीमेल जो भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू CNIC लिख देनी है। फिर यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस और एड्रेस आपका वो होता है जो आपके CNIC नंबर में होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम है, तो आपने दोनों चीज़ें सेम रख देनी है। फिर यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो लाजमी एक्टिव देना है, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह इन्होंने साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, जो भी टेस्ट रिगार्डिंग वेन्यू वगैरह होगा, आपको STS की वेबसाइट या आपको SMS के थ्रू पता चल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। आपका मजहब कौन सा, आपने वो एंटर कर देना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपने वो एंटर कर देना है। अपने वो एंटर कर देना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। फिर आपका डिवीज़न कौन सा है, जो भी डिवीज़न का आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। फिर आप जैसे मेरा डिवीज़न फॉर एग्जांपल रशीद बी नज़ीराबाद है, हैदराबाद है, बोर्ड का डिवीज़न मैंने वो एंटर कर दिया। फिर मेरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो। फिर डिज़ायर टेस्ट सिटी, आप कौन से टेस्ट सिटी में आप देना चाह रहे हैं टेस्ट वगैरह, तो आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ से आपने अपनी एक फ्रेश सी तस्वीर जो है वो अपलोड कर देनी है, पासपोर्ट साइज़ वाली। नंबर फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। नंबर सेकंड में आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लाजमी सही तरीके से फिलअप कर देनी है। अभी हम ये भी बुलेट्स पॉइंट पढ़ लें। STS विल नॉट बी इशू रोल नंबर और थ्रू दिस जिसकी एकेडमिक रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू सही नहीं होगी, ठीक है। आपने राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन अ सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। आपने सबसे पहले अपनी ना अभी मैट्रिक की मार्कशीट आपने वो उठा लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना डिग्री नेम जो कि मैट्रिक का होगा, आपने वो मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, आपने वो मैट्रिकुलेशन लिख देना है। कौन से बोर्ड से आपने मुकम्मल किया उस बोर्ड का नाम, कौन से साल में आपने मुकम्मल किया, आपके मार्कशीट के ऊपर पासिंग ईयर भी लिखा होगा, कितने नंबर आए हैं आपके टोटल नंबरों में से, और आपकी परसेंटेज क्या बनी है, आपने वो एंटर कर देनी है। फिर अगर इसके अलावा अगर आपने कोई भी इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है इंटरमीडिएट हायर इफ एनी। अगर आपने इंटरमीडिएट से भी ज़्यादा कोई BCom या बैचलर्स की डिग्री भी की हुई है, तो आपने सिंपली इधर डिग्री का नाम लिख देना, जो अगर आपने मुकम्मल की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कौन से साल से मुकम्मल की है, कितने नंबर आए हैं, कितने नंबरों में से, टोटल CGPA आपने यहाँ पर फिर अपनी एंटर कर देनी है, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ आ चुका होगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अपने डेस्टिनेशन इसे छोड़ देना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने टिक कर देना। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल मेरा नाम उमर अली है, सन ऑफ मेरा जो भी वालिद साहब का नाम है वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मैं साफ साफ इनकी जो चीज़ें वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं, मैं दोबारा आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ। सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटर्ड। आपने सिंपली इस पे जाकर सबमिट एंड डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप इस पे दबाएंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। यहाँ से फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आ जाएगा और आपके पास चलान भी आ जाएगा, ठीक है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फुल बी रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चेक करेंगे, जो इनके मैप पे पूरा उतरेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन्हीं को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे।
आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन वो एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन कर देंगे सक्सेसफुली, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्ले, आपके सामने एप्लीकेशन जो फॉर्म है डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है। डिपॉजिट द फी, आपने उसकी जो फी है वो पे कर देनी है। वावा बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन के बिल थ्रू भी कर सकते हैं, ATM के थ्रू भी, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी, मतलब इजी पैसा या जैस कैश के थ्रू। एंड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग द ओरिजिनल बैंक पेड डिपॉजिट स्लिप STS कॉपी विथ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स टू द EPI प्रोजेक्ट। मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया कि रिपीट मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करके ओरिजिनल पेड कॉपी जो है फुल फीस जमा करवाने के बाद उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसके साथ अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपने ये वाले EPI प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर A18 कश्मीर रोड नियर सोसाइटी ऑफिस सिग्नल कराची, आपने ये वाले एड्रेस पे जो इनको भेज देने, ठीक है, ये वाला एड्रेस है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। STS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग एप्ली, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अगर आपकी एप्लीकेशन ना पहुँची तब भी आपका प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इन्होंने ये बताया, ठीक है। आपने एप्लीकेशन जो वो इसे कुरियर वर्क वगैरह या टीचर्स के लिए करते हैं, क्योंकि आज जो है जैसे कि 7 मार्च 2024 है, क्योंकि ये वीडियो आज 7 मार्च को रिकॉर्ड हो रही है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने जो अपने कुरियर है ना वो TCS कर देना, आप TCS नहीं आपने पोस्ट कर देना है, पोस्ट में आपके 40 से 50 रुपये खर्चा होगा, क्योंकि जो सिंध के हैं वो इतना ही होगा, 70 या 80 रुपये 100 रुपये के दरमियान ही होगा। कैंडिडेट्स शुड बी अटेस्ट एकेडमिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल अटैम्प रेजिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि PRC होता है डोमिसाइल, वो अटेस्टेड होना चाहिए, उसकी कॉपीज वगैरह और आपकी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स। बाई हैंड एप्लीकेशन जो है आपकी अलाउड नहीं की जाएगी, यहाँ पे इन्होंने जो कि मैंने आपको बुलेट पॉइंट बताया वो यहाँ पे इन्होंने अगेन रिपीट कर दिया है। द डेट टाइम वेन्यू ऑल द टेस्ट शेल नॉट बी इंडिया, ये देख लें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपको SMS वेबसाइट या STS की वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपने दोनों ही चीज़ों को पूरा मुकम्मल कर लेना है। तो ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस था, जो कि हमने आपको होपफुली अच्छे तरीके से रीड करके बता दिया है। आपको होपफुली ऐसी यूट्यूब पे वीडियो डिटेल में नहीं मिलेगी कि किस तरीके से हमने आपको एडवर्टाइजमेंट भी रीड करके बताई है। आप चाहें तो हमारी वो वीडियो भी लास्ट में देख लीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे, और आपने ये वाली वीडियो भी लास्ट में देख लेनी है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर वैक्सीनेटर पोजीशन के लिए, जो कि 6 महीने स्केल की जॉब है। तो इट्स एम्बल रिक्वेस्ट कि आप जिस मैट्रिक तो सभी ने की होती है, ठीक है, तो आपने जॉब्स के लिए लास्ट में अप्लाई करना है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह है तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन में यूज़ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।